बालोद में न्याय की मांग को लेकर एक परिवार थाने के सामने धरने पर बैठ गया है। परिवार का आरोप है कि नियमों के खिलाफ जाकर उनके मकान को तोड़ा गया। दरअसल डोंडी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरडोंगर में पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर बनाए गए 3 मकानों को तोड़ दिया था। थाने के सामने धरने पर बैठे गणेश राम का आरोप है कि मकान तोड़े जाने के दौरान उनके घर में रखे सामान को भी तहस नहस कर दिया गया है। गणेश राम की मांग है कि इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मन हाँ, जब तक हमारा न्याय नहीं मिली तब तक हम यही बैठे रहो। का हुई साथ मन के साथ? हमारे साथ में मारपीट हो है, घर द्वार तोड़े है, बच्चे बच्चा भी मारे है, हम रू हमल मारे है, पहने वहने पर कपड़ा भी नहीं है, सब आग लगा दे है, लड़का मन के बस्तर भी आग लगा दे है। काकर द्वारा सब घटन करेगी? ये सरपंच द्वारा, सरपंच है, उप सरपंच है और गांव वाले हैं। 2 दिन पहले ही ग्राउंड पत्र जमा किया है और उसके आधार पर हमने एसटीएससी एक्ट के अंदर का धारा लगा दिया है, क्योंकि इसकी विवेचना उच्च अधिकारी गजेट ऑफिसर द्वारा किया जाता है। तो उसके हमने इसे 4 दिन का समय मांगा था, जिसमें वो आकर के थाने के सामने बैठा है फैमिली के साथ, मुझे इंसाफ चाहिए। तो मैं जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी और जो कसूरवार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।